अरे ठाकुर जी के शंख चक्र गदा पद्म आयुधों की तो बात ही अलग है, वेणु भी कहीं ना कहीं एक अद्भुत रूप है उसका भी। ये आयुध और ठाकुर जी के संसाधन हस्त कमल में धारण होने वाले तो बहुत दूर की बात, एक तनिक सा तुलसी दल जो कि ठाकुर जी के केवल चरणों से स्पर्श हो गया हो उसका इतना प्रताप होता है कि यदि कोई व्यक्ति सुबेरे तुलसी दल सेवन कर ले और तत्पश्चात पूरे दिन में यदि किंचित किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाए और तुलसी दल उसके अंदर है तो कितना भी बड़ा पापी हो वैकुंठ जाने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह तुलसी ठाकुर जी के चरण से स्पर्श हो गई है। एक तनिक सा तुलसी दल जो ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श है, ठाकुर जी का चरणामृत युक्त है, यदि उसका कोई सेवन कर ले तो 24 घंटे की जिम्मेवारी है कि यदि 24 घंटे में उसके प्राण निकल गए किसी कारण से, क्योंकि प्राण तो कभी भी जा सकते हैं, उसको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अतुल प्रताप तनिक तुलसी दल मानत सेवा भारी। लोग बाग कभी कभी कहते हैं, बोले ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ, लाखों रुपया खर्च करो तभी खुश होते हैं क्या? नहीं, 56 भोग तो हम अपने सुख के लिए लगाते हैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी को तो कुछ नहीं, एक तुलसी चढ़ा दो रोज, एक तुलसी, और प्रसन्न करनो हो तो वापे भी श्री राधा, ये कहकर के ठाकुर जी के एक 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 प्रयास बताएं, नित्य 11 तुलसी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो, ठाकुर जी को परम प्रिय है। और उसमें भी एकमात्र तुलसी ऐसा है कि आप जैसे कहीं व्यवस्था ना हो तो तुलसी को पुनः धो करके फिर चढ़ा सकते हैं ठाकुर जी को, अन्यथा सेवा प्रणाली में निषेध बताया, एक बार जो ठाकुर जी को अर्पित हो गया वो दोबारा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के चरित्र में एक भाव आता है कि एक बार ठाकुर जी की सेवा में व्यवस्था नहीं थी तो व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ठाकुर जी की भोजन थाल आदि में से एक स्वर्ण की कटोरी को विक्रय कर दिया। ठाकुर जी की स्वर्ण की कटोरी को विक्रय करके उससे जो धन आया उससे ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रसाद आदि बनाया, तो कहते हैं ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कटोरी पहले ही निवेदित हो चुकी है, ठाकुर जी को भोग हो गया वो। अब भोग को बेक करके आप धन लोगे तो वह पूरा भोग ही है, उससे जो खरीदोगे वो भी भोग है। और एक बार निवेदित वस्तु ठाकुर जी पुनः स्वीकार नहीं करते, पर तुलसी ठाकुर जितनी बार दो उतनी बार स्वीकार कर लेते। मानत सेवा भारी चीत स्वामी गिरधरन विशद यश गावत गोकुल नारी कहां वर्णो गुण गाथ नाथ के श्री विठल हृदय बिहार श्री राधा हृदय बिहारी अखियन के भूषण गिरधारी अखियन के भूषण मेरी अखियन के भूषण गिरधारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री महाराज जी। राज बिहारी ठाकुर जी साक्षात ठाकुर जी हैं और इसका प्रमाण मैं एक नहीं अनेक दे सकता हूं। हमारे ब्रजमंडल में एक संत हुए पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनको सब पंडित जी कहते थे। तो ब्रजमंडल में रासलीला का इतना प्रचलन था, पहले कथाएं कम होती थी रासलीला ज्यादा होती थी क्योंकि लोगों को समझने के लिए लीला ज्यादा अच्छी लगती थी। तो सब लोग कहते थे, बोले ठाकुर जी हमारे पूज्य पिताजी महाराज, आज पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी पधार रहे हैं नासिक, बंबई आ गए हैं। अब बंबई से 6:30 बजे तक
आ जाएंगे। तो उनको महाराज जी ठाकुर जी बोलते इसीलिए हैं क्योंकि वो रासलीला में कृष्ण बनते थे और वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे वृंदावन में कि वो अपने ठाकुर स्वरूप के अलावा भी जब घूमते थे तो भी सब उनको ठाकुर जी बोलते थे। बोले तो ठाकुर जी जा रहे हैं, ठाकुर जी घूम रहे हैं, कहीं बाजार में मिल जाते हैं रिक्शा में, और देखो ठाकुर जी ये शाम को कृष्ण बन जाते हैं, इसलिए सब ठाकुर जी बोलते थे। इसलिए पिताजी का उपनाम, मुख्य नाम तो कृष्णचंद्र शास्त्री, कृष्णचंद्र उपाध्याय, पर उनका उपनाम प्रसिद्धि हो गई ठाकुर जी के नाम से। तो हमारे नाना जी वो रासलीला में श्री जी बनते थे, किशोरी जी बनते थे, पिताजी से भी पहले। तो रास के प्रति एक भाव तो उत्पन्न हो ही जाता है जब देखते हैं ठाकुर जी को। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वो रासलीला देखते तो थे पर केवल लीला समझने के लिए देखते थे कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा। और एक बात आपको स्पष्ट बताएं, यहां जो रासलीला हो रही है बहुत बेसिक रासलीला है, मतलब बहुत सूक्ष्म उसका अंश दिखाया जा रहा है। कुंज की लीला चल रही है यहां पर, निकुंज और निभृत निकुंज तो आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाओगे, वृंदावन में होती है निभृत निकुंज की और निकुंज की। अभी तो केवल एक स्पर्श मात्र आप देख रहे हैं लीला का, नहीं तो जब निकुंज और निभृत निकुंज की लीला होती है जहां श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का सुंदर स्वभाव अष्टयाम होती है, अद्भुत आनंद आता है उसमें, वो रसिक जनों की बात है, रसिक जन ही उसमें प्रवेश कर पाते हैं। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज रासलीला देखते थे केवल इसलिए कि लीला समझ सकें, कथा समझ सकें कि क्या भाव रहा होगा। बाकी पात्रों को वो सामान्य ही समझते थे, वो ये सोचते थे हमारी जैसे ही हैं ये पात्र, कोई मुकुट पहन के आ गए बस। लेकिन उनको कई रसिक जन कहते, बोले बाबा आप ऐसी भावना मत रखा करो, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले भैया देखो रासलीला में बैठवे की कहोगे देखवे कहो सब स्वीकार है, पर हम इनको पूर्ण ब्रह्म नहीं मान सकते, ये सामान्य बालक है। लेकिन एक दिन पंडित जी महाराज के चित्त में भाव आया, बोले अगर ये पूर्ण पर ब्रह्म है तो मौसम नहीं है अभी अमरूद का, अभी अमरूद फल हुआ नहीं है, परब्रह्म है तो अमरूद प्रकट कर सकते हैं, मेरी अमरूद खाने की इच्छा है और इनका उच्छिष्ट खाने, ये झूठा अपना खिलामे तो मैं मानूंगा कि ये साक्षात परब्रह्म है। और पंडित जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे, बैठे थे कथा में, हमारी महाराज जी पूरी कथा श्री हनुमान जी महाराज, जगन्नाथ जी, गोपाल जी, राधा रमन जी, हमारे इष्ट चतुर्भुज ठाकुर जी, पूज्य पिताजी के गुरु जी और पूज्य श्री पंडित जी महाराज, ये दो चित्र सदैव रहते हैं सामने, पंडित जी पूरी कथा में बैठते हैं। तो बोले कि यदि ठाकुर जी ने अमृत खिलाया, अपना उच्छिष्ट खिलाया, झूठा खिलाया, तो मानूंगा कि ये परब्रह्म है। और उस दिन लीला करते 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 ठाकुर जी के जाने क्या चित्त में आया, तो ऐसी दर्शनार्थी भोग भोग रख जाते हैं, उसी में ना जाने कहां से कोई अमरूद ले आया और ठाकुर जी लीला करते करते गए और उसमें से एक अमरूद निकाला, अमरूद निकाल करके स्वयं पाया और पा करके सीधे भीड़ में बैठे दूर पंडित जी महाराज को देखा और दौड़े कूदे मंच से दौड़ करके गए, उनकी गोद में जाके बैठ गए और बोले बाबा मुंह खोलो। पंडित जी महाराज के तो रोम रोम कांपे, उनकी आंखों से आंसू निकले, बोले अमरूद खावे को मन है रोना ले खा ले, और खवा के ठाकुर जी भाज गए। 3 दिन तक मूर्छा अवस्था में रहे पंडित जी महाराज, और 3 दिन बाद जब मूर्छा उनकी टूटी, सीधे रास बिहारी ठाकुर जी के पास गए, चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थना कर, मुझे क्षमा कर दो नाथ, मैं आप पर संशय कर रहा था। तो ठाकुर जी ने कहा कियो, ठाकुर जी लेटे भय, मतलब लीला नहीं चल रही थी, तैयार हो गए थे ठाकुर जी बस अपने सिंहासन पर लेटे भय, तब पंडित जी ऊपर पहुंच गए, पर्दा के पीछे पाम दबाने लगे, ठाकुर जी मुझको क्षमा कर दो। तो जो राज बिहारी ठाकुर जी स्वरूप सरकार, बोले बैठ जाओ बाबा, बैठ गए और अपने पैर के
अंगूठे से पैर के अंगूठे और उंगली के बीच ऐसे खोल के बाबा की ऐसे नाक दबाने लगे ठाकुर जी, और बाबा उनके पैर दबा रहे थे, ठाकुर जी खेल रहे थे ऐसे अंगूठा से उंगली से उनकी नाक दबा रहे थे। तो इतने में स्वामी जी जो गाते हैं वो भीतर आ गए और उन्होंने आकर के ठाकुर जी को थोड़ा डांट दिया, अरे ठाकुर जी कहा कर रहे हो, बेचारे बाबा तुम्हारी सेवा कर, तुम नाक दबा रहे हो उनकी। तो ठाकुर जी ने अपना पाम पीछे कर लियो, और ठाकुर जी ने पाम पीछे किया और पंडित जी महाराज का रोना शुरू। स्वामी जी से बोले, बोले ठाकुर जी अनुग्रह करके मेरे संग क्रीड़ा कर रहे, ठाकुर जी मेरी नाक दबा रहे, आपने क्यों मना कर दी उनसे। अरे वो साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल निधान, भाव के वश में है भगवान। यदि आप भाव एक सामान्य संगमरमर की मूर्ति पर कर सकते हो, तो मुकुट धारण करके श्रृंगार करके ठाकुर जी की भांति उन्हीं के भाव को कहने वाले उस व्यक्ति में आप भाव क्यों नहीं रख सकते। और यदि आपको उनमें ठाकुर जी नहीं दिखे तो आपको मूर्ति में भी ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव नहीं तो आपके सारे साधन झूठे हैं। भाव प्राधान्य है, अन्य किसी देवी की भक्ति में जप प्राधान्य होगा, तप प्राधान्य होगा, अन्य अन्य साधन प्राधान्य होंगे, लेकिन यदि आप स्वयं को कृष्ण भक्त कहते हो तो भाव में आइए, भाव में रहिए, भाव प्राधान्य है। और भाव प्राधान्य व्यक्ति जो है ना, वो अन्य किसी बंधन में नहीं रह सकता, वो भाव में ही रहता है, उसको भाव ही प्रधान होता है। जिन पंडित जी महाराज का मैं सुंदर भाव अभी बता रहा था, पंडित जी महाराज सदैव भाव में ही रहते थे। ठाकुर जी के बस कोई मुकुट पहन के उनके सामने आ जाए, वो इस प्रकार उससे मिलते थे जैसे मानो साक्षात ठाकुर जी आ गए हों। देखने वाले सब आश्चर्य करते थे, बोले सामान्य बालक है, वो बाबा देखो ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी कोई बाबा जी से कहता, पंडित जी महाराज से बोले, बाबा आप ऐसे कोई भी मुकुट पहन के आ जाए, आप इतनो नतमस्तक क्यों है जाएं? तो बोले, एक तो पहली बात वो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन किंचित भी मन में ये बात आ जाए कि भैया ये तो कोई को छोरा है, कोई को लाला है, तो वहां में ये भाव रखना चाहिए कि जिस प्रकार ठाकुर जी परब्रह्म है, तो परब्रह्म स्वयं पहले नहीं मिलता, अपने किसी अंश को भेज करके हमारी परीक्षा लेता है कि हम लोग अगर परब्रह्म आया तो हम कैसी प्रतिक्रिया रखेंगे। अगर परब्रह्म साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने आ गए तो हमारी स्थिति और प्रक्रिया कैसी होगी, उसको परखने के लिए ठाकुर जी अपने अंशों को भेज देते हैं। तो वो अंश कभी कभी मूर्ति के रूप में आ जाते हैं, मंदिर में प्रतिष्ठित ठाकुर जी के रूप में आ जाते हैं, और कभी कभी रास बिहारी ठाकुर के रूप में भी आते हैं। उनके प्रति वो भाव देख करके ठाकुर जी तब स्वीकार करते हैं, बोले ना भैया यहां में तो पूर्ण भाव है, मेरे अंश के प्रति इतनो प्रिय भाव रखेगा तो मेरे प्रति कितनो ज्यादा रखेगा। भाव, इसलिए भैया कृष्ण भक्ति प्रजायते, अगर आप कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या कृष्ण भक्ति में आ चुके हैं, अन्य साधनों का साधन करो जितने हो सके, पर प्राधान्य रूप से भाव को रखो, भाव प्रधान है। और भाव कैसे जागृत होगा, बिना महत पाद रजोभिषेकम, संत जनों की वैष्णव जनों के कृपा अनुग्रह से ही भाव प्रादुर्भाव होता है हृदय में। सबसे पहला तो विश्वास ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के वैष्णवों के प्रति। दूसरा संबंध, उनसे कोई ना कोई नाता जरूर रखो। और तीसरा समर्पण, समर्पित हो जाओ। इन तीनों के प्रक्रिया करने से उत्पन्न होगा भाव, और वही भाव ठाकुर जी को प्रिय है, वही भाव ठाकुर जी को भाता है।
तो ऐसे श्री गिरधर लाल जी और श्री दत्त भगवान के पावन मिलन महोत्सव का हमने आनंद लिया। आज दत्त भगवान के अगले गुरु के विषय में हम सुने, और आज कथा में बहुत एक सुंदर प्रसंग। मैं एक बात कहूं बंधु, मुझे पता है आप सबका बहुत भाव रहता है कि ब्रज लीला सुने, ब्रज के भाव सुने, पर एक बात सदैव याद रखना कि श्रीमद् भागवत के ये जो प्रसंग हैं गंभीर जरूर हैं, ये थोड़े क्लिष्ट जरूर हैं, थोड़े कठिन जरूर हैं, पर इनसे गुजरे बिना यदि आप ब्रज के भाव में प्रवेश करेंगे ना तो कभी अपराध बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा, कल नहीं तो परसों बनेगा। इनमें ऐसे ऐसे भाव छुपे हुए हैं, वो ज्ञान वर्धक वैराग्य वर्धक हैं, वो चित्त में आने बहुत आवश्यक हैं। ठाकुर जी की ब्रज लीला सबको भाती है। अरे जो ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, जिसका कथा भागवत से कोई संबंध नहीं, उसको ब्रज लीला सुना दो, उसको भी बड़ा आनंद आ जाता है, क्योंकि वो लीला है ही ऐसी आकर्षण करने वाली है। पर वो लीला सदा आपके चित्त में रमती रहे, उसके लिए ये बाह्य परकोटे बनाने बहुत जरूरी हैं ज्ञान और वैराग्य के, इसलिए ये कथाएं आवश्यक हैं। कभी कभी मन में भाव आता है कि क्यों ना हम दशम स्कंदी कहें, मैं खुद मंच से कह देता हूं कि मैं ब्रज लीला ही कहूं, ब्रज भाव ही कहूं, पर तभी चित्त में एक भाव आता है कि तो फिर इतने प्रसंग सुखदेव जी ने क्यों सुनाए। ये जड़ भरत उपाख्यान हो गया, पुरंजनोपाख्यान हो गया, कपिल देवभूति संवाद हो गया, ये इतने क्लिष्ट और इतने मार्मिक और इतने गूढ़ प्रसंग जिनको सुन के कई बार लोगों में निद्रा तक आ जाती है, इनको कहा क्यों गया? क्योंकि भैया व्यक्ति जब रोगी हो जाता है ना, तो रोगी व्यक्ति की इच्छा होती है, मुझे मीठा खाना है, मुझे पकौड़े खाने हैं, मुझे कचौड़ी खानी है, तो डॉक्टर उसको पहले क्या कहता है, वैद्य कहता है पहले कड़वे कड़वे रसायन लो, और कड़वे रसायनों से अपने भीतर की स्थिति को पहले पवित्र करो, उस योग्य बनाओ कि तुम उस क्लिष्ट वस्तु को सेवन कर सको, उस मधुर वस्तु का पान कर सको। इसलिए पहले रसायन दिया जाता, औषधि दी जाती है, ताकि हमारे अंदर की जितनी स्थितियां वो सब स्वस्थ हो जाएं, और जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तब डॉक्टर या वैद्य हमको आज्ञा देता, अच्छा ठीक है अब तुम पा सकते हो। ठाकुर जी की ब्रज लीला वो मधु के समान है, वो कचौड़ी के समान है, वो पकौड़ी के समान है, वो बड़ी आनंददायी है। उसको पचाने के लिए क्षमता होनी चाहिए, और क्षमता के लिए ये रसायन पिलाए जा रहे हैं। 7 दिन के सप्ताह में मैंने कभी ये विषय नहीं कहे, लेकिन ये यहां प्रकट हो रहे हैं। और आज का जो प्रसंग है बहुत अद्भुत है, परम ज्ञान युक्त है, परंतु परम आनंद देने वाला है। जड़ भरत रहुगण संवाद, इसलिए बड़ी सावधानी से सुनिएगा। सबसे पहले श्रीदत्त भगवान के अगले गुरु के विषय में हम लोग सुने। कल जिन गुरु के विषय में हमने सुना वे थे सर्प, और दत्त प्रभु के अगले गुरु हैं उर्णनाभि। उर्णनाभि, उर्णनाभि मतलब मकड़ी, दत्त भगवान की अगली गुरु हैं। यदुवर कहते हैं, यदुराज कहते हैं, बोले महाराज आपने मकड़ी से क्या सीखा? बोले मैंने मकड़ी से यह सीखा कि वो जिस जाले में विलास करती है वो अपने उदर से ही उसको प्रकट करती है, और विलास करने के बाद में उस जाले को अपने उदर में ही समा लेती है। और ये जो गुण है ये किसका है? ये परब्रह्म का गुण है, ये ठाकुर जी का गुण है। ठाकुर जी अपने उदर से सृष्टि प्रकट करते हैं और उसमें विलास करने के बाद उसमें आनंद ले, ठाकुर जी का मनोरंजन है सृष्टि। एक प्रकार से मेरा होना आपका होना, मेरा रोना आपका हंसना, आपका रोना मेरा हंसना, आपका गिर जाना मेरा उठ जाना, मेरा मोटा होना आपका पतला होना, मेरा गोरा होना आपका काला होना, ये सब ठाकुर जी का मनोरंजन है। अभी मनोरंजन शब्द आती कई लोगों के प्रश्न, अच्छा तुम्हारा जी किसी किसी के साथ तो बहुत बुरा होता है जीवन में, तो ठाकुर जी ऐसा मनोरंजन क्यों करते हैं? देखो ठाकुर जी मनोरंजन
किसी की भक्ति से भी, मीराबाई के प्रेम से भी ठाकुर जी का मनोरंजन हो रहा है। लेकिन भगवान ने यहां पर एक विधान बना दिया, बोले मैं किसी मनोरंजन का, मैं किसी सृष्टि के सृजन का सुख तब लेता हूं जब व्यक्ति अपने कर्म फल कर्म भोग से निवृत्त होकर मेरी प्राप्ति करता है। जब हम इस संसार में और बंध जाते हैं, ठाकुर जी को पीड़ा ही होती है, कष्ट ही होता है, लेकिन जब निवृत्त होते हैं तो ठाकुर जी को तब मनोरंजन होता, तब उनको सुख मिलता है। तो पीड़ा होना और किसी के जीवन में बहुत संकट आए उससे पीड़ा ठाकुर जी को भी होती है। श्री भक्तमाल में नाभा गोस्वामी कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त के जीवन में आने वाला कष्ट ठाकुर जी को भी लगता है, उनको यही चिंता लगी रहती है कि अपना उद्धार कैसे करेगा। तो कभी जीवन में आने वाली पीड़ा, उससे ठाकुर जी को पीड़ा भी होती है। कोई खिलौना हमारा टूट जाए हमको पीड़ा नहीं होती, जिस प्रकार हमारा प्रिय खिलौना टूट जाए, प्रिय खिलौना चले ना, उसको हम रिपेयर करवा दें, खूब सेल लगा दें, अच्छी जगह दिखा दें, तब भी ना चले। आजकल खिलौने चले गए, फोन आ गया है खिलौनों की जगह, सारे खिलौने फोन में ही हैं। कभी कभी लगता है सवेरे उठे और उस समय अगर हमारी धड़कन नहीं चल रही हो तो इतनी चिंता नहीं होगी हमको, लेकिन सवेरे उठे और फोन नहीं चल रहा हो तो कई बार रात में चार्जिंग पे लगा के सोते हैं फोन को, लेकिन इतनी नींद होती है कि स्विच ऑन करना भूल जाते हैं, और सुबह महाराज जी फ्लाइट पकड़नी है, कहीं लंबा जाना है, फोन चार्ज होना बहुत जरूरी है। सुबह उठे, उठकर के स्नान ध्यान किया, सब सामान रखा, अब चार्ज हो गया होगा फोन, निकाला तो पता चला रात में प्लग तो चला ही नहीं, तो उसी समय इतना गंभीर मतलब टेंशन आ जाती है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा रोग हो गया हो हमको, ना फिर भोजन सुहाता है, ना फिर जल सुहाता है, फिर वही चिंता बनी रहती। ये सब आपके ऊपर ही मैं डांट के कह रहा हूं, नहीं मैं अपनी भी बताता हूं, अपनी मैं भी इसी से ग्रसित हूं। तो जिस प्रकार हमारे विलास का, हमारे सुख का कारण आजकल ये है, अगर खराब हो जाए तो चिंता होती है ना, अच्छा चले फुल बैटरी में रहे तो हमें भी अच्छा। ऐसे ही ठाकुर जी को भी, जब इंसान रूपी मोबाइल फुल चार्ज होता है भक्ति से, तब ठाकुर जी का विलास होता है, तब ठाकुर जी का मनोरंजन होता है। वो लो बैटरी पे चल रहा है, 1% 2% पे है, बिल्कुल भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, अपने प्रारब्धों के कष्टों को भोग रहा है, तो ठाकुर जी भी उदास हो जाते हैं। तो संसार भगवान का मनोरंजन है, और उनको आनंद देने के लिए, उनको सुखी करने के लिए, सा हरि प्रिय, उनके प्रिय बनने के लिए हम भक्ति भाव करते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम वैदिक मार्ग पर चलते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं। दत्त भगवान कहते हैं ये मकड़ी का जो गुण है ना, ये ठाकुर जी का गुण है, वो अपने उदर से ही सबको प्रकट करते हैं और फिर अंततो गत्वा सबको अपने भीतर ही समेट लेते हैं। मैंने इससे क्या सीखा? मैंने इससे यह सीखा कि जिस प्रकार मकड़ी अपने उदर से ही अपना विलास प्रकट करती है, परंतु उसके प्रति किसी की आसक्ति नहीं होती। सामान्य व्यक्ति यदि मकड़ी का जाला देखे तो 2 मिनट में कुछ लेगा और एक उंगली से ही उसको समाप्त कर देता है, उसके प्रति किसी की आसक्ति नहीं होती। ठीक वैसे ही सृष्टि को भगवान का बनाया हुआ जाला समझो, इसके प्रति आसक्ति क्यों रखते हैं हम? भगवान के उदर से प्रकट है, भगवान में ही विलीन हो जानी है। यहां पर उत्पन्न होने वाली हर वस्तु इतनी क्षणभंगुर है जैसे एक मकड़ी का जाला, उसको एक पतली सी सींक भी पूरा नष्ट ध्वस्त कर सकती है। इस संसार एक जाले के समान है, इसको उतना ही क्षणभंगुर समझो जितना मकड़ी का जाला होता है। इसके प्रति किसी भी भाव में, किसी भी रूप में आसक्ति मत रखो।
बड़े से छोटे तक, छोटे से बड़े तक, हर वस्तु क्षणभंगुर है, नश्वर है। तो ये शिक्षा मैंने अपने गुरु उर्णनाभि से सीखी। एक गुण और मुझे समझ में आता है कि व्यक्ति भी तो ऐसा ही करता है, अपने अंदर से ही अपनी व्यवस्थाओं को फैला देता है। ये पत्नी है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये परिवार है, ये मेरा व्यापार है, आदि 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 सारे अपने जाले फैला लेता है। सब कुछ करने के बाद उसमें ही रमता रहता है, पर वो मकड़ी से दूसरा गुण नहीं सीख पाता क्या, कि यदि किसी दिन वो जाला ध्वस्त हो जाए तो मकड़ी परेशान नहीं होती, वो दूसरा स्थान चुनती है, वहां जाकर के फिर बना लेती है या फिर अपने अंदर ही समाहित कर लेती। पर मानव उसके बनाया हुआ जो प्रपंच है, यदि उसको कोई नष्ट कर दे तो वो दुखी हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है, वो अपनी स्थिति से च्युत हो जाता है। मैंने मकड़ी से सीखा कि मानव को भी ऐसा ही होना चाहिए, वो अपने ही उदर से बनाती है सब कुछ, पर उसके नष्ट हो जाने पर कभी विचलित या व्याकुल नहीं होती, किसी अन्य स्थान पर जाके वहां बना लेती है। ऐसे ही मानव को भी संसार के प्रति इतना ही क्षणभंगुरता भाव रखना चाहिए, इतनी आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए। तो ये मेरे अगले गुरु हैं उर्णनाभि, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे श्री दत्त भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और आइए अब आज के मधुर प्रसंग में प्रवेश करते हैं, रहुगण जड़ भरत संवाद। बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान के अवतार हुए भगवान ऋषभ देव, और ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। कल हम इनके विषय में सुन रहे थे, इन्होंने अपने पुत्रों को जो ज्ञान उपदेश किया उसका भी मैंने कल थोड़ा सा चिंतन किया था। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि हम मानवों का जन्म दुख पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं हुआ है। जगजीत सिंह गाते हैं, हर तरफ है जगा बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगा बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगा। सब दुखी हैं, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ है जगा बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगा। लेकिन ये नहीं, ये गलत है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं क्यों कष्ट पाए हम, लेकिन संसार में बंधुओं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कष्ट के रह रहा हो। सबके जीवन में कष्ट है, और ये कष्ट पाते हुए हम कर्म करते हैं। कर्म करने का उद्देश्य क्या होता है कि कोई बात नहीं, अभी कष्ट है, कर्म करेंगे फिर सुख आ जाएगा। लेकिन उस कर्म को करने के लिए जाते हैं तो पहले से दुगना बलवान कष्ट आता है जीवन में। फिर हम तीसरा कर्म करते हैं, बोले कोई बात नहीं, इससे भी जूझ लेते हैं, अब सुख आएगा। तो तीसरे कर्म से और बलवान दुख आ जाता है जीवन में। इसी प्रकार हम कर्म करते जाते हैं और दुख भी बढ़ता चला जाता है, दुख भी अपनी जगह कम नहीं करता है, उससे ही हम परेशान होते चले जाते हैं।
अच्छा एक बात बताऊं, बहुत सावधानी से सुनिएगा, मानव का निर्माण सुख नहीं करता, मानव का निर्माण तो दुखी करता है। मानव को जो तराशा जाता है, कभी आपने देखा किसी पत्थर को रुई से तराशा जाता हो, किसी पत्थर को कपड़े से आकृति दी जाती हो? नहीं, छेनी हथौड़ा ही लगता है। इसलिए सदैव याद रखना, कष्ट, दुख, विपत्ति, आज की भाषा में कहूं एंजाइटी, आज की भाषा में कहूं डिप्रेशन, आज की भाषा में कहूं और क्या कहूं, जो समझो समझो, ये सारे जिनके लिए सब पूछते ही रहते हैं, ये सब यदि आपके जीवन में नहीं आए ना, तो आपका निर्माण नहीं हो पाएगा। परम सुख में जीवन जिसने जिया है, ऐसा व्यक्ति संसार को कुछ दे नहीं पाएगा, यह बात निश्चित है। संसार को सदैव सीख देकर के जाने वाला व्यक्ति या संसार को सदैव समझा के सिखा करके जाने वाला व्यक्ति स्वयं बहुत पीड़ा में रहा है, उसने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में। इसलिए कष्ट आना, दुख आना, यह जरूरी इसलिए क्योंकि निर्माण ही हमारा तब होता है। और एक बात मैं तो कथा में कहता हूं कि भाई जिसके जीवन में दुख नहीं आते, जिसके जीवन में कष्ट नहीं आते, और सुनिए, ये दुख और कष्ट ये छोटी मोटी चींटियों जैसे नहीं, विशाल हाथी जैसे, ये छोटी मोटे दुख कष्टों को दुखों में गिनना ही नहीं कभी, उनसे कुछ नहीं होता है। छोटे मोटे कष्ट कैसे होते हैं, मेरा वहां जाने का मन था, मैं नहीं जा पाया, दुखी हो गए, ये कोई दुख है? मेरे को उससे ब्याह करना था, माता पिता नहीं मानने, दुखी हो गए, ये कोई दुख है? मेरे को ये पहनना था, नहीं पहन पाया, ये सब चींटी चींटी हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। विशाल काय कष्ट जब जीवन में आता है और तब भी आप डट करके खड़े रहते हैं, तब आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में कुछ निर्माण होता है, कुछ भावों का, और वही भाव आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जिसके जीवन में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, उस व्यक्ति को ऐसा समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर। क्योंकि अध्यापक की दृष्टि जब होती है ना, तभी वो शिष्य को बार बार प्रश्न देता है, ले अब इसको इसको हल करके दिखा, अच्छा ये भी हल कर दिया, ले अब इसको हल करके दिखा। वो हर बार एक कठिन प्रश्न देता है अपने शिष्य को। ठीक वैसे ही संसार रूपी विद्यालय के अध्यापक हैं ठाकुर जी, और हम सब यहां के शिक्षक वो हैं विद्यार्थी। एक प्रश्न दिया, हल कर दिया ठाकुर जी, फिर दूसरा उससे बड़ा देते हैं, तीसरा उससे, अब जितना कठिन प्रश्न, विद्यार्थी उतना ज्यादा तीव्र बुद्धि का हो जाता है। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे हैं, वो प्रश्नों के भय के कारण कक्षा में ही नहीं बैठते, बाहर घूमते रहते हैं, बंक मार देते हैं, स्कूल से चले जाते हैं। उनको उस समय तो लगता है हम बड़े सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, पर उसका परिणाम जब विद्यालय पूर्ण हो जाता है, उसके बाद वो किसी लायक नहीं रह पाते। ठीक वैसे ही जीवन में कभी किसी ने कष्ट ना सहा हो, दुख पीड़ा आपत्ति विपत्तियां ना सही हो, एक समय के बाद वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसे बिना पढ़ा लिखा आदमी कोई काम नहीं कर सकता, बिना कोई गुण वाला व्यक्ति किसी के योग्य नहीं बन पाता। ठीक वैसे ही बिना कष्टों के जिसने जीवन जिया, वो संसार में कुछ उपलब्धियां, किसी उपलब्धि का मतलब किसी को दे करके कुछ नहीं जा पाएगा, बस वो जन्म लेकर के जिया, खाया पिया सोया मर गया। इसलिए दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, दुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है? सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है। इसलिए अब आप लोग कहोगे महाराज जी एक शास्त्र आज्ञा है, परुपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही, दूसरों को उपदेश देने में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, लेकिन विस्मरन्ति तत् सर्वम, सब भूल जाते हैं जब खुद के ऊपर आती है बात। नहीं,
आप ये मत सोचिए कि मैं केवल आपको सुनाता हूं। वक्ता वक्ता को डबल पुण्य मिलता है, क्यों? क्योंकि वो दूसरों को सुनाता है और जो स्वयं बोल रहा है वो खुद भी सुनता है, अपने जीवन में भी कई बार लागू करता है। इसलिए एक बात और ये भी कह दूं कि भाई वक्ता अगर दूसरे को कथा सुनाने की भाव से मंच पर बैठेगा ना, उसकी कथा प्रभावशाली नहीं होगी। वो स्वयं को कथा सुनाने के लिए बैठे, अरे मन तू बैठ, तू ही सुन। जब स्वयं को कथा सुनाता है ना, तभी कथा का भाव प्रभाव सुनने वालों पर पड़ता है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो कष्टों में विचलित होना, कष्टों में व्याकुल होना, ये सामान्य बात, सब होते हैं, उपदेश देने वाला भी हो जाता है, पर उस कष्ट से भागना नहीं है, उस विपत्ति से दौड़ना नहीं है, उस विपत्ति से मुंह नहीं फेरना है, सामना करना है। विचलित होइए, रोइए, परेशान हो जाइए, चलेगा, लेकिन उससे भागो मत, उससे लड़ो, जूझो। और इसी पूरे प्रावधान के ऊपर गीता सुनाई है भगवान ने अर्जुन को, भागने की मत कहे अर्जुन, अपने धनुष बाण छोड़ करके कायरों जैसी हरकत मत कर मेरे सामने, युद्ध कर, युद्ध च। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं आए हम संसार में, तो फिर क्या करें? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सद्यै दस्मा ब्रह्म सौख्यम पनंतम। बोले कर्म कष्ट पाते हुए मत करो, तो हरिस्मरण करते हुए कर्म करो। आप कुछ भी कीजिए, संसार का कोई भी कर्म कीजिए, बस तामसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग ये सोचेंगे ठीक है चोरी कर लो, वो भी भगवान नाम करते हुए कर लो। तो कोई भी कर्म करो भगवत स्मृति के साथ करो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना कर्म करते रहो, बस हर स्मृति के साथ करो, भगवान के स्मरण के साथ करो, उससे क्या होगा, जीवन में होने वाले कष्ट जो हैं वो आपको अनुभव नहीं हो पाएंगे। आएंगे तो सही, लेकिन आप विचलित नहीं होगे, लड़ोगे, जूझोगे। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हैं। अब इन्हीं के ही सबसे बड़े पुत्र भरत जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे। भरतस्तु महाभागवतो, सबसे पहला शब्द भरत जी महाराज के लिए क्या कहा गया? बोले भरत जी कौन है? बोले महाभागवत हैं। भागवत का मतलब क्या होता? भगवान का। भागवत का मतलब भगवान का। और श्री भरत जी कैसे हैं? बोले महाभागवत, ये ठाकुर जी के परम प्रिय हैं। अच्छा, परम प्रिय होने का लक्षण, अब श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद चल रहा है, यहां गद्य में श्लोक हैं सारे, छंदबद्ध गद्य है। तो यहां पर लिखा है श्री भरत जी का गुण कैसा था कि यज्ञ भाजो देवांस्तान पुरुषावयवेश्व भयाद्यत। जिस प्रकार श्री भरत जी महाराज कभी यज्ञ में बैठते थे या कोई अनुष्ठान में बैठते थे तो पंडित जी उनके हाथ में अक्षत देकर के, पुष्प देकर के कहते, भरत जी देवराज इंद्र का स्मरण कीजिए। अब जैसे ही देवराज इंद्र का स्मरण होता तो इंद्र कौन है? बोले भगवान की भुजाएं हैं। तो वो इंद्र का स्मरण नहीं करते थे, श्रीमन नारायण की भुजाओं का स्मरण करते थे। ओहो, ठाकुर जी की भुजा ऐसी है, ठाकुर जी के हाथ ऐसे हैं, ठाकुर जी के गोल 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 उंगलियां हैं, गुलाबी गुलाबी से हस्त कमल, ठाकुर जी के कमल जैसे हाथ हैं बिल्कुल। अब
हे भरतराज, अब आप सूर्य नारायण भगवान का स्मरण कीजिए। तो वो सूर्य नारायण का स्मरण नहीं करते थे, ठाकुर जी के नेत्रों का स्मरण कर, भगवान के चक्षु में एक में सूर्य है एक में चंद्र है, तो ठाकुर जी के चक्षुओं का स्मरण। ओहो कैसे कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी के कमल जैसे नेत्र हैं, आधे खुलते हैं। ठाकुर जी के नेत्रों की गुलाई काली माँ कैसी है, उनका श्वेत वर्ण कैसा है, ठाकुर जी की पलकें कितनी कोमल हैं, ठाकुर जी जब अपने नेत्र बंद करते हैं खोलते हैं कितने प्यारे लगते हैं। मतलब उनकी आराध्य ऐसी थी, किसी भी देवता का नाम ले लो वो हर देव को ठाकुर जी में ही देखते थे। इसको कहते हैं न अन्याश्रय अनन्य, अनन्य भक्ति इसी को कहते हैं कि किसी अन्य में कोई भाव ही ना जावे, सब जगह आपको ठाकुर जी दिखे, सब जगह आपको वही विलास दिखाई दे जिसमें आपकी चित्तवृत्ति है, जिसमें आपका भाव है, सब जगह आपको वैसे ही दिखे। आप वैष्णो देवी जाओ और वैष्णो देवी जाकर के देवी के दर्शन करो तो वहां देवी का दर्शन करते हुए भी मन में भाव आए, अरे हमारे ठाकुर जी की बहन, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, आप ठाकुर जी की बहन हो इसीलिए आप वैष्णवी हो, वो वैष्णव विष्णु हैं, आप वैष्णवी हो, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। महाकाल भगवान का दर्शन करने जाओ, हमारे ठाकुर जी के परम प्रिय, हमारे लाल जी के सदा चित्त में रहने वाले, हे महाकाल भगवान हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, हे श्री राधा वल्लभ लाल के परम चरण सेवक, हम आपके श्री चरणों में। अब कृष्ण भक्ति यदि आपके चित्त में है तो आप जिस भी देव से मिलोगे उसके प्रति एक ही भाव रखोगे, कृष्ण से क्या संबंध है इनका, उसी संबंध से आप उनसे मिलने जा रहे हो। मतलब अनन्य भक्ति में आप अन्य देव के गुण की प्रधानता नहीं देखते, उसके अंदर आप कृष्ण भक्ति को ही प्रधान देखते हैं। ऐसी भक्ति श्री भरत जी महाराज की थी, इसीलिए उनको महाभागवत कहा गया। चंद्रमा का स्मरण करो, ठाकुर जी के दूसरे चक्षु का स्मरण करने लगते थे। हे भरत महाराज, आप ब्राह्मणों को सबको भोजन पवाइए, सबको दक्षिणा प्रदान कीजिए। ठाकुर जी के मुखमंडल का स्मरण करते थे, ओहो ये सब ठाकुर जी के मुख हैं, इतने सारे मुख आए हैं, सब में ठाकुर जी की सुंदर सुंदर आहुति दूंगा। तो वो इसी भाव से ही प्रसाद पवाते थे ब्राह्मणों को, भगवान के मुख में जा रहा है। ऐसी भक्ति थी श्री भरत जी महाराज की, इसलिए उनको महाभागवत कहा गया। एक गणपति भट्ट नाम के एक वैष्णव, उनकी कथा आती है कि वो गणेश जी के परम उपासक थे, वो अन्य किसी देवता को नहीं पूछते थे, गणेश जी को ही पूछते थे बस, सब जगह गणपति दिखे उनको। एक बार उनके किसी रिश्तेदार ने उनको जगन्नाथपुरी बुलाया और उसने ऐसा और कह दिया कि यहां गणेश जी ही हैं मंदिर में, आ जाओ तुम। तो वो आदमी अपनी पूरी व्यवस्था करके जगन्नाथपुरी पहुंच गया, बिल्कुल सत्य घटना है। अब जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे महाराज, तो वहां जाकर के उन्होंने पहले सबसे पूछ करके विश्वास कर लेते गणेश जी है ना भीतर, बोले हाँ मेरा अनन्य भाव नहीं छूटना चाहिए, किसी अन्य देव को नहीं देखता मैं केवल गणेश जी को देखता हूं। इनकी इनकी भक्ति में थोड़ी सी ये कमी ये थी, अन्य देव को देखते भी नहीं थे। उसको सुधारने के लिए और इनके अनन्य भक्ति से प्रसन्न होने के लिए जगन्नाथ जी ने इनको बुलवाया था। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए भीतर जाने लगे तो वहां पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन होने लगा। उन्होंने कहा, बोले कि एक बात बताओ, ये गणेश जी का मंदिर है, तुम यहां कृष्ण का कीर्तन क्यों कर रहे हो? तो किसी ने कहा, बोले अरे तुमको किसी ने पागल बना दिया, बोले गणेश जी का नहीं है, साक्षात ब्रज उर चंदन नंद नंदन श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं, वही विराज रहे यहां पर। महाराज मंदिर के गर्भगृह के सन्मुख पहुंचने से पहले उनको यह पता चल गया गणेश जी नहीं, वहीं से भाग गए, मंदिर से छोड़ छाड़ के बाहर निकल आए और आकर के महाराज समुद्र के जल से अपने आप को छींटा मारने लगा, रहे राम 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 मेरी अनन्य भक्ति नष्ट हो गई, जे मैंने क्या कर दिया, हे गणपति बप्पा आप नाराज मत हो जाना, मैं तो आपके अलावा किसी ने मुझे पागल बना के यहां बुला दिया, रुदन करने लगे। श्री जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए उनके इस भाव से, बोले कैसी अनन्यता है। सोई ठाकुर जी एक बालक का रूप धारण करके गणपति भट्ट के पास पहुंच गए, समुद्र किनारे बैठे थे।
रो रहे थे। बालक ने आकर के कहा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? बोले, मेरा पूरे जीवन की अनन्य भक्ति मेरी आज नष्ट हो गई। मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता, मुझे किसी ने यहां भेज दिया है, अब मैं इनको देखूंगा तो मेरी भक्ति नष्ट होगी, अब मैं कैसे क्या करूं मैं? अरे मैं अन्य देव के नगर में भी क्यों आ गया? जगन्नाथ जी बालक के रूप में गए, बोले, अरे तुम गणेश जी का दर्शन नहीं करोगे तो भी तुम्हारी अनन्यता टूट जाएगी। देव दर्शन ना करने से भी अनन्य भाव टूटता है, और तुमको किसी ने पागल ये बना दिया है कि अंदर जगन्नाथ जी जो है वो कृष्ण, वो गणेश जी ही हैं। बोले, मैं किसकी बात मानूं? कोई तो कहता वो कृष्ण है, तुम कह रहे हो वो गणेश जी हैं। बोले, तुमको विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाऊं। गणेश जी जैसी सूंड, गणेश जी जैसे कान, गणेश जी जैसा पेट, सब कुछ है ठाकुर जी, वो गणेश जी ही हैं। गणपति भट्ट बोले, देखो मैं चल तो दूंगा लेकिन मैं देखूंगा नहीं, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा मैं दर्शन नहीं करूंगा। आंखों पर पट्टी बांध करके गए, मंदिर में भीतर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी स्वयं ही बालक के रूप में गए थे, हाथ पकड़वा करके देखा, बोले, लो चढ़ जाओ, ये ब्रह्मवेदी है, इसके ऊपर ये विशाल स्वरूप गणेश जी हैं, देख लो, स्पर्श करके देख लो। सबसे पहले हाथ मुख के ऊपर लगाया तो महाराज लंबी नाक सूंड जैसी उनके हाथ में आ गई। ओहो, दूर दूर तक जा रही है सूंड, हाथ में आती प्रणाम किया। ठाकुर जी अपनी सूंड से उनके सिर गुदगुदाने लगे। जगन्नाथ भगवान आंखों पे पट्टी बंधी है, देख नहीं रहे, प्रणाम करके बोले, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करूंगा, अभी मैं और अपने गणेश जी के गुण देखूंगा, वो होंगे तो ही पट्टी खोलूंगा। यहां पर हाथ लगाए तो बड़े बड़े कान हाथ में आ गए, फिर प्रणाम किया, जय हो, ये तो गणेश जी ही हैं। वो नहीं नहीं नहीं, एक बार और मैं देख लूं। बोले, क्या? लंबोदर, बड़ा पेट होगा तो मेरे ठाकुर जी हैं। पेट पर हाथ रखा महाराज, जेट में भरने लगे, ठाकुर जी आ ही नहीं पा रहे इतने विशाल। उसको विश्वास हो गया, ये तो गणेश जी ही हैं। और जैसे ही पट्टी खोली तो गणेश जी नहीं थे, वो जगन्नाथ जी थे। भुजा उठाए ठाकुर जी, कारे कारे जगन्नाथ जी खड़े। महाराज कूद गया ब्रह्मवेदी से, अरे मायावी कृष्ण, मेरे को गणेश जी बता करके ले आया मंदिर में और मेरा अनन्य भक्ति तोड़वा दी। ठाकुर जी प्रकट हो गए, अपने हृदय से लगाया, बोले, अरे पागल, तेरी अनन्य भक्ति बहुत अच्छी है इसीलिए मैं तुझसे मिला, लेकिन तेरी अनन्य भक्ति में एक दोष है कि तू किसी देवता को देखता ही नहीं। अगर किसी देव को नहीं देखेगा तो इससे अपराध बनेगा। ठीक है, तू सब में अपने अनन्य एक देव को देख, पर इसके चलते अन्य देवों की तिरस्कार मत कर, अन्य देवों का अपमान मत कर, सबके पास जा, सबको देख, उनके संबंध का दर्शन कर कि उनका संबंध क्या है तेरे इष्ट से, तब तेरी अनन्यता बनी रहेगी। और रही बात, तूने हमारा स्पर्श किया, तूने हमारा आलिंगन किया और तुझे हमसे इतना प्रेम हो गया, आज के बाद जब तक धराधाम पर जगन्नाथपुरी विराजमान है तो जिस दिन श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए उसको कहते हैं स्नान पूर्णिमा, आने वाली है स्नान पूर्णिमा। उस दिन हमारे गिरधर लाल जी भी 108 कलशों से नहाते हैं, उस दिन ठाकुर जी स्नान करते हैं खूब आनंद में। गत वर्ष में आया था तो स्नान पूर्णिमा के आसपास ही आया था महाराज जी के पास दत्त धाम। स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव दिवस है, उस दिन ठाकुर जी का जन्मदिन होता है, और उस दिन कलशों से स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी सबसे पहला जो श्रृंगार धारण करते हैं वो गणपति भट्ट भक्त के प्रेम के स्मरण में गणेश जी का ही रूप धारण करते हैं। लंबी सूंड, ये बड़े बड़े कान, कभी जगन्नाथ जी का जब स्नान पूर्णिमा पर स्नान, उसके बाद दर्शन करना, टीवियों में भी होते हैं, ठाकुर जी गणपति वेश में दर्शन देते हैं अपने उस भक्त की स्मृति, तो अनन्य। ऐसी भक्ति जिसकी होती है उसको महाभागवत कहते हैं। जैसे और देवता चित्त न धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही, और देवताओं को चित्त में धारण मत करो, हनुमत से ही सर्व सुख करही। अब हनुमान जी के प्रति अनन्य भाव रखने वाला, उसके मन में भाव होना चाहिए कि हनुमान जी से संबंध बना करके सबका दर्शन करे। और देवता चित्त न धरही, तो इस मतलब ये नहीं है कि अन्य देवों को दर्शन मत करो, चित्त न धरही, चित्त में एक ही देव को रखो, दर्शन सबका करो और सबके दर्शन में संबंध यही रखो कि इनका संबंध किससे है।
इनका संबंध श्री कृष्ण से कैसे? अब जैसे श्री हनुमान जी महाराज कृष्णावतार में ठाकुर जी की वंशी श्री हनुमान जी ही हैं, ये वंशी का रूप श्री हनुमान जी ने ही धारण किया है, ठाकुर जी के अधर पर बैठे रहते हैं। राम जी को ये चिंता है कि हनुमान जी ने 14 वर्ष हमारी इतनी सेवा करी, अब हनुमान जी को हम क्या दें? तब भगवान की पादुकाओं ने रघुनाथ जी को आज्ञा दी, बोले कि हे भगवान, ये हनुमान जी आपके द्वापर के कृष्णावतार में वंशी के रूप में आएंगे और आप चाहते हैं कि आप इनके द्वारा दी गई सेवा इनको वापस कर सको, इनको कुछ उपहार दे सको, तो उपहार के रूप में आपके प्रदान करने वाले आशीर्वादों में सबसे श्रेष्ठ है आपका अधरामृत, वो अधरामृत आप इनका इनको प्रदान करना, अपनी कोमल उंगलियों से इनके चरण दबा देना, अपने नेत्र के पलकों से पंखा जल देना, इस प्रकार आप हनुमान जी को सुख देना। तो कहीं कहीं भावों के अनुसार महादेव वंशी का रूप धारण करके आए हैं और महादेव के रुद्र रूप हैं श्री हनुमान जी, तो श्री हनुमान जी ही वंशी के रूप में ठाकुर जी की सेवा में आए। तो जब जब हनुमान जी को देखते हैं तब तब ये भाव रखते हैं प्रणाम करते समय, अरे वाह, लाला की वंशी मूर्तिमंत रूप में खड़ी है, क्या विशाल, देखो क्या तेज, क्या बलवान। ठाकुर जी की वंशी में इतना ही बल है जितना हनुमान जी में, क्यों? वो हनुमान जी ही है। बोला अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो महाभागवत का लक्षण क्या है? वो सबके प्रति अपने इष्ट को ही देखता है, अपने गुरुदेव में भी इष्ट का दर्शन करता है, अपने माता पिता में भी इष्ट का दर्शन करता है, अपने पति में भी इष्ट का दर्शन, अपनी पत्नी में भी इष्ट का दर्शन, अपने आगे दिखने वाले हर प्रिय भाव में अपने इष्ट को देखता है। ये महाभागवत का लक्षण है जो कि श्री भरत जी महाराज में है। ऐसे महाभागवत श्री भरत जी एक छत्र सम्राट थे पृथ्वी के। एक समय आने पर उन्होंने मन बनाया कि मैं वन में जाकर के अब तपश्चर्या करूं, लेकिन यहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि तस्मिन बाव किलसा एकलह पुलहाश्रमे पवने। वर्णन करते हुए कहते हैं कि भरत जी महाराज ने वानप्रस्थ ग्रहण किया, वन में जाना स्वीकार किया, ये तो अच्छी बात है, परंतु उन्होंने किसी गुरुदेव से आज्ञा लिए बिना इस कार्य को किया। बंधु, आप जब गुरु आज्ञा से किसी नियम का पालन करते हैं ना, तो उस नियम को ठाकुर जी या फिर किसी भी प्रकार का भाव उस नियम को तोड़े ना, ये जिम्मेवारी ठाकुर जी रखते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में बिचौलिया गुरु है। लेकिन जब हम स्वच्छंद अपने मनोभाव से कोई नियम धारण कर लेते हैं तो उसके टूटने का संभावना 100% होती है, वो टूट ही जाता है। इसलिए सदैव बिना गुरु आज्ञा के, बिना वैष्णव आज्ञा के, बिना संतजनों की आज्ञा के कोई नियम धारण मत करो। और एक और बात, यदि गुरु के मुख से कोई नियम निकल जाए और उसका पालन आपने नहीं किया तो भी अपराध लगता है, उसका पालन भी करना है। भरत जी महाराज के नियम में एक दोष था, क्या? कोई गुरु आज्ञा नहीं थी, उन्होंने किसी से पूछना उचित नहीं समझा। वानप्रस्थ ग्रहण कर रहे थे, किसी विद्वान के पास जाते, गुरुजन के पास जाते, उनसे आज्ञा लेते कि मैं वानप्रस्थ ग्रहण कर रहा हूं, आप आज्ञा करें वानप्रस्थ के समय मुझे क्या क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी से आज्ञा नहीं ली, अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा करके और श्री भरत जी महाराज अकेले ही वन में चले गए और उसका परिणाम, भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर बैठ करके तपस्या करते थे, एक परन कुटी बनाई थी उसी में ही रहते थे, खूब दिव्य ठाकुर जी का स्मरण करते थे। गुरु आज्ञा के बिना किसी नियम का पालन करने का परिणाम यह हुआ भरत जी के साथ कि जिन भरत जी ने अपने राज्य को छोड़ दिया, जिन भरत जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिन भरत जी ने अपने बच्चों तक का त्याग कर दिया, पूरे परिवार और वंश कुल का त्याग करके वन में आ गए, वो भरत जी
वन में एक हिरणी के बच्चे के ऊपर आसक्त हो गए। भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, सामने के छोर पर एक हिरणी जल पी रही थी और वो गर्भवती थी। उसका एक दो दिन में ही गर्भ जन्म लेने वाला था। उस अवस्था में वो हिरणी जल पी रही थी और तभी एक शेर ने दहाड़ मारी। उसके भय के कारण वो हिरणी कुछ समझ ना पाई और नदी में ही कूद गई। और इस दृश्य को श्री भरत जी महाराज देख रहे थे। भरत जी ने जैसे ही देखा हिरणी नदी में गिर गई, तुरंत भरत जी भी कूदे, परंतु भाव इतना तेज था नदी का कि हिरणी तो नहीं बच पाई, पर बीच नदी में उसने अपने प्रसव को जन्म दे दिया। उन्नन्ना सा हिरण का बालक वो तैरता हुआ ऊपर आया। भरत जी हिरणी को तो नहीं बचा पाए, उस बालक को अंक में भर लिया, किनारे लेकर के आए, उसको वस्त्र आदि पहनाकर अग्नि प्रज्वलित करके उसको थोड़ा ताप दिया, उसको कुछ पवाया, उसकी सेवा में निमित्त हो गए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, हफ्ता, महीना गुजर गया। अब भजन धीरे धीरे भरत जी का कम होने लगा। अब उस बालक में ही आसक्त हो गए हैं। अब वो चलता है, अब वो कूदता है, अब वो उछलता है, वो लिपट जाता है भरत जी से आकर के, इन सब चीजों के प्रति आकृष्ट। देखिए आसक्ति कितनी खतरनाक, वो कहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है हम मानव हैं तो मानव में ही हमारी आसक्ति होगी, हमारी जीव में भी हो सकती है और आजकल हो रही है। बड़े बड़े नगरों में लोगों की आसक्ति मानवों में कम है, जानवरों में ज्यादा है। इतना प्यार दुलार तो वो मानव से नहीं करते जितना जानवर से करते हैं। कितनी भयावह आसक्ति होती है। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, किसी जीव के प्रति प्रेम रखना ये एक अलग विषय है, लेकिन उसके प्रति आसक्त हो जाना ये पूर्णतया निरर्थक विषय है। और उसका परिणाम क्या होता है, सुनिए भरत जी महाराज के चरित्र को। अब भरत जी उस हिरण के बालक के संगी रहते थे, वो खा रहा है कि नहीं यही देखते रहते थे, जप करने बैठते थे और जप के बीच में उसकी जरा सी आवाज आती तो वही माला छोड़ के भाग जाते उसके प्रति, इतनी आसक्ति हो गई। इससे बढ़िया तो घर में ही थे भरत जी, काय को छोड़े आए इतने बड़े राज्य को आकर के हिरण के बालक में आसक्त होने के लिए। ये हिरण के बालक में आसक्ति इसलिए हुई क्योंकि गुरु आज्ञा लेकर के नहीं आए थे। इसीलिए हमारे यहां गुरु होना बहुत आवश्यक बताते हैं। किसी ने मुझसे कहा महाराज जी गुरु के बिना, ऐसा कहते हैं, पुण्य नहीं होता। अगर आप इस भावना से गुरु बना रहे हो कि आपको पुण्य मिले तो आपका बहुत बड़ा अपराध है। किसी स्वार्थ के लिए गुरु नहीं बनाए जाते हैं। विवाह यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ भाव से करे ना, वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता अपने। जैसे वर ने विवाह इसलिए कर लिया कि मुझे बहुत दहेज मिल रहा है, या फिर वधू ने इसलिए विवाह कर लिया कि अच्छा घर है, पढ़ा लिखा है, रूप स्वरूप कैसा भी हो लेकिन ठीक है, दुखी तो नहीं रहूंगी। ये स्वार्थ के लिए यदि आप विवाह कर लेते हैं तो निश्चित है आप अपने उस जीवन में प्रसन्न नहीं रह पाओगे। जिस प्रकार संबंध में समर्पण आवश्यक होता है, वैसे गुरु के प्रति भी समर्पण आवश्यक है। गुरु के प्रति वो भाव बहुत जरूरी है। उस भाव के बगैर आपने गुरु दृष्टि रखी है और किसी अन्य भाव अपने पुण्य की कामना के लिए या फिर अन्य अन्य भावों के लिए आपने गुरु बनाए हैं, आपका उद्धार ही नहीं हो पाएगा, बल्कि और कष्ट में रहोगे। इसलिए गुरु के प्रति भाव बड़ा सुदृढ़ रखो, बड़ा प्रिय रखो, समर्पित रखो, उसके प्रति कोई स्वार्थ मत रखो कि गुरुजी से हमारा ये स्वार्थ सिद्ध हो जाए, नहीं। इसलिए गुरु नहीं बनाने हैं। एक बहुत सुंदर गुरु स्तुति है। खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मजु
थारा हागोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में पार करना या ना करना दोनों मर्जी आपकी अच्छा भाग दोनों मर्जी आपकी मेरी इच्छा नहीं है मैं तो बस आपकी शरण में आ गया हूं नाथ अब मुझे पार करना या ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है चाहे तो मुझे यहां डुबा दीजिए चाहे तो मुझे कोने छोड़ दीजिए चाहे मुझे पार कर दीजिए इस भावना से गुरु शरणागति ली जाती हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा भाव से गाओ आपकी जिसके प्रति आस्था है जिन गुरु के प्रति आपका भाव है या फिर मन है कि ये मेरे गुरु हों का स्मरण करके ये भाव पुष्ट करो उनके चरणों में करुणा सिंधु करुणा कीजिए ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए शरण में लीजिए आदि अस अब शरण में लीजिए हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु अच्छा एक बात और है पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के क्योंकि गली गली में गुरु फिरे हमसे दीक्षा लियो पर स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें बस लिफाफा दियो एक प्रसंग सुनाऊं मैं दीक्षा नहीं देता महाराज जी अधिकार पूर्ण है पिताजी भी खूब कहते हैं कई आचार्यों की भी आगे पर मेरे चित्त से भाव ही नहीं आता मुझे लगता है दिशा ही ले लो कथा ही सुन लो यही मेरी गुरु दीक्षा है जो कथा में भाव कह दिया उसको जीवन में अपना लो यही दीक्षा मान लीजिए एक प्रसंग आता है महाराज जी की श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार कहीं जा रहे थे तो उनको वन में एक विशाल अजगर मिला और उस अजगर के ऊपर असंख्य कीड़े मकोड़े चढ़े हुए थे सब उसके मांस को चुन चुन के खा रहे थे तो महाप्रभु जी को इतनी दया आई तुरंत अपना आसन बिछाया बैठ गए और अपने संपूर्ण जीवन के भजन बल से उस अजगर को मुक्त करने का संकल्प लेने लगे तो वर्णन आता ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर ठाकुर जी बोले क्या कर रहे हो बोले नाथ मुझसे देखा नहीं जा रहा इतनी पीड़ा में है मैं अपने जीवन के सारे भजन बल से इसको मुक्त कर दूंगा मैं अपना सारा बल इसको दे देता हूं कि ताकि ये स्वच्छंदता से विचरण करे ये कीड़े मकोड़े इसको मार रहे हैं खा रहे हैं मुझसे देखा नहीं जा रहा ठाकुर जी कहते हैं बोले तुमको पता है ये कौन है बोले कौन है बोले अजगर जो है ये पूर्व जन्म में एक गुरुजी थे और ये जितने भी कीड़े मकोड़े इनको खा रहे हैं ये सब इनके चेला हैं तो बोली ऐसा क्यों हुआ बोले देखो गुरु जीवन में होना चाहिए शिष्य भी जीवन में बने पर यहां पर इन दोनों की प्रवृत्ति अलग थी गुरु केवल इसलिए शिष्य बना रहा था ताकि शिष्य उसके मठ मंदिर बनवा सकें उसकी झोली भर सकें उसकी जेब भर सकें उसके बैंक में खूब सारा
दान कर, उस समय तो बैंक नहीं होती होगी, पर ठाकुर जी ने आशय बताया कि ये केवल इसलिए शिष्य बना रहा था ताकि लोगों को पता चले इसके इतने शिष्य, ताकि इसको खूब दक्षिणा मिल सके, खूब धन मिल सके, अपने शिष्यों का उद्धार करने की भावना नहीं थी। इसलिए इस जन्म में ये अजगर बन करके इस गति को प्राप्त हुआ। आज इसने जितने शिष्य बनाए थे और उन शिष्यों की सदगति का प्रयास नहीं किया, वही शिष्य बिना सदगति के कीड़े बन गए और आज अपने गुरु को ही खा रहे हैं। इसलिए भैया गुरु दीक्षा ये हंसी मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है कि आप कहीं भी ले लो, किसी से भी ले लो, कोई भी दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं दिशा पर बिलीव करता हूं, कथा सुनो खूब, क्योंकि भैया मुझे ठाकुर जी पर भरोसा खुद पर नहीं है, शिष्य पर भरोसा है, पर मेरे गुरुत्व पर अभी मुझे नहीं है कि कहीं मेरे मन में लोभ आ गया तो क्या करूंगा, अगले जन्म में मुझे भी खा जाओगे सब मिलके। इसलिए मैं भाव रखता हूं कि दिशा ग्रहण करो, लेकिन हां जब लगेगा कि हां अब मुझे नहीं हो सकता कि कोई भाव आकर्षित करे कि हां अब दीक्षा दे सकते हैं, तब देंगे। एक 3-4 दिन पहले महाराज जी एक माता जी आई, उनकी आयु होगी 50-60 वर्ष की, वो बोली कि हमको दीक्षा दे दो महाराज। मैंने कि मैया अभी तो मैं दीक्षा नहीं दूं, बोले हम प्रतीक्षा करेंगी। अब मैं उनको देख के कहूं, मैंने कि प्रतीक्षा आप करोगी तो फिर मुझे शमशान आना पड़ेगा दीक्षा देने क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब तक मन में भाव आए। पर गुरु के अंदर गुण क्या देखो, ध्यान से सुनना, गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो संसार निवृत्त करा दे, गुरु वही जो संशय समाधान दिला दे, और गुरु वही जो सब छुड़ा के वृंदावन में बसा दे, वो गुरु है, वो गुरु है। जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसका स्वरूप, जिसका भाव, जिसके सब कुछ, हर भाव से आपको समाधान ही मिलता है, वो गुरु है। और ऐसे गुरु को यदि मन से भी गुरु मान लोगे ना, तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। तो एक किसी एक व्यक्ति को जीवन में ऐसा जरूर रखो जिसकी वाणी आपके लिए अध्यादेश है, उसके आगे हरि भी आकर के कह दें कि ये मत करो, नहीं मेरे गुरु की आज्ञा है मैं तो करूंगा, हरि भी उसकी वाणी को निरर्थक ना कर सके, ऐसा विश्वास जिसकी वाणी के प्रति, उसके प्रति गुरु भाव रखो। और तब गाओ, खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा
कल्पगुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। गुरु तो श्री भरत जी के जीवन में और कोई दोष नहीं था, परंतु यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि महाभागवत की श्रेणी के भरत जी का पतन हो गया केवल इसलिए क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के वन में अकेले अपने मनोभाव से चले गए।
भगवत प्राप्ति में बंधुओं एक गुरु का होना तो आवश्यक है, और ये पूरा जड़ भरत रहुगण संवाद गुरु प्रधानता को दर्शाने वाला ही है। बहुत सुंदर भाव है, सुनिएगा आगे। तो गुरु का जीवन में होना आवश्यक है, पर किस प्रकार? केवल दीक्षा मात्र से नहीं, दिशा से। दिशा से गुरु जीवन में आवे। हमारे महाराज जी रामानु संप्रदाय के एक आचार्य हुए, तो वे आचार्य ठाकुर जी का दर्शन करने गए श्रीरंगम, त्रिचिरापल्ली, दक्षिण में हमारे संप्रदाय के ज्यादा स्थान है। तो श्री रंगनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए गए, तो वहां पर भगवान जो है वो शेष नाग शेष शैया पर पौड़े हुए हैं। और महाराज जी शेष शैया पर जो श्री रंगनाथ भगवान हैं, इनका इतिहास है, ये देवताओं के अर्चावतार थे ठाकुर जी, जो अभी रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में विराजमान है। देवता इनकी अर्चना करते थे। देवताओं से श्री दशरथ जी इनको लेकर के आ गए अयोध्या में, और श्री अयोध्या में समस्त सूर्यवंशी राजा इनकी अर्चना करते थे। फिर जब लंका पर विजय प्राप्त की भगवान श्री राम ने, और जब विभीषण को राज्य गद्दी प्रदान की, तो विभीषण ने कहा भगवान मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो भगवान बोले क्या चाहिए? तो विभीषण जी कहते हैं कि आप सदा लंका में विराज जाओ। भगवान बोले काय को ऐसा कर रहे हो, हमको वापस जाने दो। लेकिन उसने कहा कि मुझे नित्य आपका दर्शन हो, ऐसी कोई कृपा अनुग्रह करो ना मेरे ऊपर। तो भगवान बोले हमारे पूर्वजों के और देवताओं के भी इष्ट अयोध्या में विराजमान है, तुमने मांगा है हम वो तुमको दे देंगे, उनको ले आओ तुम। तो श्री विभीषण जी ठाकुर जी को लेकर लंका जा रहे थे, पर कावेरी जिनके तट पर श्री दत्त भगवान का दर्शन प्रहलाद जी को हुआ, उन कावेरी मैया को भगवान ने कभी आश्वासन दिया था कि जैसे यमुना के तट पर हम विराजे हैं, गंगा के तट पर विराजे, गोदावरी के तट पर विराजे, कावेरी के तट पर भी हम विराजेंगे। तो कावेरी मैया का ये वचन था कि नाथ आप मेरे तट पर विराजो। जैसे ही विभीषण जी दक्षिण जाने लगे, कावेरी जी पार करने लगे, कावेरी मैया तो उफान भरने लगी, ठाकुर जी ऊपर मूर्तिमंत होकर के शेष नाग पर पौड़े। भगवान बोले चिंता नहीं करो, हम कुछ करते हैं। वरुण देवता से आज्ञा करी, विभीषण को नियम था कि कहीं रखना नहीं हमको, कहीं रोक दोगे तो वहीं रह जाएंगे हम। वरुण देवता से आज्ञा करी, बोले जल्दी से ऐसा कुछ करो कि इसको शंका के लिए जाना पड़े और हमको कहीं छोड़ना पड़े। इतनी तीव्र शंका लगी श्री विभीषण जी को, ठाकुर जी को तुरंत कावेरी के तट पर विराजमान करके, और महाराज दौड़े लौट करके आए, स्नान ध्यान करके संध्या करके ऊपर पधारे, तो ठाकुर जी उठे ही नहीं। भगवान बोले अब तो हम यहीं रहेंगे। विभीषण जी खूब रोए, तो भगवान ने उनको आज्ञा दी, बोले देखो एकमात्र विष्णु मंदिर है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, हम तुमको वचन देते हैं कि तुम लंका में अपने भवन के ऊपर अटारी से भी दर्शन करोगे तो तुमको हम दिख जाया करेंगे। तो आज भी श्री रंगनाथ भगवान दक्षिण की ओर मुख करके शेष शैया पर पौड़े। इतना अद्भुत मंदिर है महाराज जी, हमारे वृंदावन के बराबर का पूरा मंदिर है, नगर ही पूरा मंदिर के अंदर विराजमान है, इतना विशाल मंदिर है। हमारे इष्ट हैं श्री रंगनाथ भगवान, उनका दर्शन करने के लिए आचार्य गए, और आचार्य ने जैसे दर्शन किया तो दर्शन करके बोले मैं इतनी दूर से आपका दर्शन करने आया हूं और आप जो है आनंद में सुख में पौड़े हुए हो, अरे ठाकुर जी कम से कम उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठ के नेक मुझे हृदय से तो लगाओ। ठाकुर जी नहीं उठे, ठाकुर जी तो मूर्तिमंत हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने अपने पूर्व के आचार्यों का नाम लिया, अपने गुरुजनों का नाम लिया, बोले मेरे गुरुजन तो कहते हैं कि आप इतने इतने कृपालु हैं, मेरे आदि गुरु तो कहते हैं आपने इतनी कृपा करते हो, मेरे आदि आदि गुरु तो कहते हैं कि आप इतने दयालु हैं, मेरे गुरुजनों की बात निरर्थक हो रही है, आप तो परम निष्ठुर हैं, अभी भी लेटे हुए हैं। गुरुजनों का नाम लेते ही जैसे उन्होंने कहा कि मेरे गुरु पर गुरु तो ऐसा कहते थे, आप इतने दयालु, आप तो ऐसे लीला करते हो, पर आप तो मूर्तिवंत होकर पड़े। तो गुरु का नाम लेते ही ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, और बैठ करके उनको बाहर से उठा के अपनी गोद में बिठा लिया।
कहीं गुरु की आज्ञा निरर्थक ना हो जाए और गुरु आज्ञा पर किसी को संशय ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अपनी स्थिति से निकल करके आए और उनको अपनी गोद में ले लिया। ये गुरु आज्ञा की प्रधानता होती है। ठाकुर जी भी कभी ऐसा प्रयास नहीं करते कि गुरु कोई आज्ञा कर दे और शिष्य विश्वास के साथ उसका पालन करे, तो ठाकुर जी पूर्ण जिम्मेवारी रखते हैं कि उसकी गुरु की आज्ञा का पालन जो शिष्य कर रहा है उसमें कोई व्यवधान ना आवे। नहीं तो गुरु प्रधान नहीं है, व्यक्ति विशेष प्रधान नहीं है, गुरु पदवी और गुरु से निकला हुआ आज्ञा वो प्रधान है। तो श्री भरत जी महाराज ने बिना किसी गुरु की आज्ञा के और निकल गए, वन में गए। वन में जाकर के हिरण के बालक में इतना मोह हो गया कि अब उसी को ही देख करके जीते हैं, उसी के साथ ही रहते हैं, उसी के साथ सब क्रिया, उसके बिना अब उनका मन नहीं लग, भजन तो छूट ही गया पूरा। एक दिन हिरणों का झुंड आया भरत जी की कुटिया के पास। भरत जी अस्वस्थ हो गए थे, वृद्धावस्था आ गई है, लेटे हुए थे, लेटे लेटे हिरण के उस बालक, वो भी बड़ा हो चुका है, उसको सहला रहे थे। जैसे ही हिरणों का झुंड आया और उस नन्हे से बालक ने जैसे ही उस झुंड को देखा, खड़ा हो गया। भरत जी महाराज बोले, अरे क्या हुआ, कहां जा रहे हो? धीरे धीरे वो उस झुंड की ओर जाने लगा और जैसे ही झुंड में असंख्य हिरणों को देखा, उसको समझ आ गया, अरे मेरा परिवार ये नहीं है, मेरा परिवार तो ये झुंड है, ये हिरण मेरे परिवार है। और भरत जी को अकेला छोड़ करके वो जीव, वो हिरण झुंड में जाकर के मिल गया और जंगल में कहीं भाग गया, कभी लौट करके नहीं आया। भरत जी दिनों दिन तक उसका इंतजार करते रहे, अन्न जल सब छोड़ दिया, रो रो करके बेहाल हो गए, इतनी आसक्ति हो गई उसमें। और ये आसक्ति का कारण ही केवल इसलिए हुआ क्योंकि किसी गुरु की मोहर नहीं थी उनके नियम के ऊपर। कितनी बड़ी बात यहां भागवत जी में समझाई जा रही है। आप सामान्य सी भी क्रिया करते हैं ना, तो आज्ञा की प्रतीक्षा करो, क्योंकि आप में बल नहीं है किसी सेवा को पूर्ण करने का। गुरु हस्ताक्षर कर देते हैं जब उस सेवा पर, तब वो आपको सामर्थ्य मिलती है करने की। भरत जी महाराज व्याकुल हो गए और हिरण की स्मृति में रोते 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 उसी को याद करते करते एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। एक महाभागवत की अधोगति हो गई और इसका परिणाम यह हुआ, अंते यामति सागति, अंत में जो सोचते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं अगले जन्म में वही मिलता है। एक हिरण का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे और अगला जन्म दक्षिण के भारत प्रांत में एक हिरण के गर्भ से भरत जी महाराज का हुआ और वो हिरण बनकर के प्रकट हुए। जन्म लेते ही उनके पूर्व जन्म के महाभागवत लक्षण के कारण इतना उनको विवेक हो गया कि उनको याद आ गया कि मैं भरत था, मैं एक राजा था, अपने कुल परिवार का त्याग करके आया, लेकिन एक हिरण बालक में आसक्त हो गया। लज्जा होने लगी अपने ऊपर, मैंने क्या किया। और उसी समय वही राग रहने देना, उसी समय मन में भाव आया कि नहीं, अब मैंने बहुत गलत किया है, अब किसी मानव का स्मरण करते हुए प्राण त्यागूंगा ताकि अगले जन्म में फिर मानव बनूं और मानव जन्म प्राप्त करके फिर उस जन्म को मैं सवार सकूं। वही किया उन्होंने, दोबारा गए वहीं उसी वन में घूमते घूमते जहां उनकी कुटिया थी पूर्व जन्म में, वहीं जाकर के बैठे रहे। वहां एक विप्र का उन्होंने दर्शन किया, उस विप्र को देखते देखते उन्होंने नदी में छलांग मार दी और विप्र का स्मरण करके जब प्राण त्यागे, तीसरे जन्म में आकर के वही भरत जी महाराज पुनर्जन्म एक ब्राह्मण कुल में उनका हुआ और संभवतः फिर से उनका नाम भरत रखा गया, भरत हुए। भरत जी महाराज का जन्म हुआ, लेकिन कल मैं जैसा बता रहा था कि अब की बार वो ऐसे बने कैसे, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो, वो जान मूझ के ऐसा दिखाते कि मुझको कुछ आता ही नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं आपके किसी योग्य नहीं हूं। बाल्यकाल से उनकी स्थिति ऐसी थी
कि जैसे जैसे बड़े हुए उनके आगे खिलौने रखे जाते थे, अब बच्चा खिलौना देखते आ सकते, पर वो इतने निराशक्त थे कि खिलौने यहां रखे वो इधर मुंह करके बैठ जाते थे। ये उनके पूर्व के जन्म के भगवत महाभागवत तत्व का ये उनको गुण मिला कि वो इस जन्म में भी सबसे सर्वथा परे थे और उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। भरत जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, पिताजी उनको गायत्री मंत्र याद कराते, 6 महीना में ओम शब्द याद करके नहीं सुनाया उन्होंने। बोले एक बार गायत्री याद कर लूंगा, कल को फिर पुरुष सूत्र सिखा देंगे, फिर श्री सूक्त सिखा देंगे, फिर शांति पाठ सिखा देंगे, गृह प्रवेश सिखा देंगे, फिर विवाह सिखा देंगे और फिर लगा देंगे मुझे संसार में, मुझे संसार में नहीं लगना इस बार। सबसे परे श्री जड़ भरत जी महाराज एक जड़ के भांति रहते, एक पागल व्यक्ति के भांति रहते अपने घर में। पिता ने ही उनका नामकरण कर दिया, बोले ये तो हमारे घर में कोई जड़ आ गया है, नाम उनका जड़ भरत हो गया। बंधुओं एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई, जन्मदात्री मां की भी मृत्यु हो गई। ऐसा कथा आती है कि पिताजी इनकी भरत जी की जन्मदात्री मां पहले ही पधार गई थी तो पिता ने दूसरा ब्याह कर लिया था, तो सौतेली मां के बच्चे और सौतेली मां तो और ज्यादा भरत जी को प्रेम नहीं करते थे, तो भरत जी उससे बड़े प्रसन्न रहते थे, अच्छा है कम से कम इनमें आसक्ति तो नहीं होगी मेरी। वो उनके ऊपर घर के सारे काम डाल देते थे, भरत जी प्रेम से इसको स्वीकार करते थे, लाओ और भी कुछ काम हो तो मुझे दे दो, मुझसे बिल्कुल प्रेम मत करो, मुझसे कोई आशा ही मत रखो ताकि मैं भी तुमसे आशा ना रखूं। एक दिन पिताजी भी चले गए, वही एक प्रेम करने वाले थे भरत जी से, वो भी चले गए, तो भरत जी दुखी तो हुए लेकिन फिर और ने थोड़े संतुष्टि होगी, चलो एक आसक्ति का केंद्र पिताजी थे वो भी चले गए, अब और किसी में आसक्ति नहीं मेरी। लेकिन गृह त्याग नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे भी कारण भागवत जी में लिखा कि भरत जी सोचते हैं अगर मैं अपनी इच्छा से घर छोड़ के गया तो ये गलती तो मैंने पहले भी करी थी, अपनी इच्छा से नहीं जाऊंगा, जिस दिन ये धक्के मार के घर से निकालेंगे उस दिन जाऊंगा, पड़े रहते कोने में। इनके सौतेले भाई डांटते रहते, तुम कुछ करते धरते नहीं हो, पूरे दिन बैठे रहते हो, खाते रहते हो, खा खा के मोटे हो गए हो। अच्छा ये प्रसंग भी है कि भरत जी का जो शरीर था वो थोड़ा स्थूल था, लेकिन उनको भोजन के लिए मिलता क्या था, बोले पूरा परिवार जब खा लेता था तो बच्चों से जो नहीं खपता था झूठन बच जाती थी, या फिर कढ़ाई में और भोजन बनाते समय जो जल जाता था या फिर जो बासा 2-3 दिन का होता था वो भरत जी को भोजन में दिया जाता था, भरत जी उससे भी प्रसन्न रहते थे, बोले अच्छा है कम से कम जीव की आसक्ति में तो नहीं रहूंगा, ये जला कुचलाई दो कम से कम जीवित रहूं भजन के लिए इतना मिल जाए, लेकिन अपनी इच्छा प्रकट नहीं करते थे कभी, बड़ा निष्किंचन स्वरूप बताया श्री भरत जी महाराज का। एक दिन उनके भैया आए और भैया आकर के बोले पूरे दिन पड़े रहते हो करते धरते कुछ नहीं, तुम्हारे लिए काम ढूंढ के लाया हूं मैं और तुमको करना पड़ेगा। भरत जी बोले आज्ञा करें भैया। बोले एक खेत की रखवाली करनी है, कोई जानवर खाए ना उसको, जाओ जो आज्ञा। चले गए खेत पर, खेत पर जाकर के बैठ गए, अब वहां अनाज लगा था जो भी जीव जंतु खा जाते हैं। भरत जी महाराज बैठे थे तो भरत जी को देख के जीव सब बाहर से भयभीत होकर के लौट रहे थे, बोले इनको यदि मुझसे भय लगा, अगर मैंने इनको अभयदान नहीं दिया तो मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भरत जी महाराज तो वहीं खड़े हो गए, उनको बुलाने आओ 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 ले ले ले, सब सामग्री जितनी खेत की थी सब लुटाने लगे, चिड़ियाओं को बांटने लगे, बगल बगल से जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ करके गैया ले आए, भैंस ले आए, गधा ले आए, सब आओ भैया राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ मेरे प्यारे, भर भर पेट, पूरा खेत उजड़वा दिया उन्होंने। शाम को खेत का मालिक देखने आया, बोले नया नया आया है देखने, देखूं क्या किया उसने। आ करके देखा महाराज, भरत जी के भैया को जाकर के बता कैसा व्यक्ति भेजा तुमने, उसने एक दिन में पूरा खेत खत्म करवा दिया मेरा। भरत जी महाराज शाम को लौट करके आए, भाई ने खूब मारा, सहन कर गए और कहा तू किसी काम का नहीं है, पिता हमारे ऊपर तुझको छोड़ करके चले गए और तू तो हमारा सगा भाई भी नहीं है, सौतेली मां का पुत्र है, इसलिए हमने निर्णय लिया है अब हम तुझे नहीं रख सकते घर पर,
तू कहीं और जाकर के अपनी व्यवस्था कर ले। भरत जी महाराज बोले, इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आज्ञा कर दो। भरत जी महाराज जान, एक कथा और बीच में आ जाती है कि एक बार उनको भेजा गया कि कहीं गड्ढा करना था, मेड़ बनानी थी खेत में, मेड़ समझते हैं, पानी इधर का उधर ना जाए, उसके लिए मेड़ बनती खेतों में। तो उसके प्रति कथा आती महाराज जी की, मेड़ बनाने की आज्ञा जब दी तो मेड़ के लिए क्या करते हैं, अगल बगल की मिट्टियां खोद के बीच में ऐसे पहाड़ जैसे बनाते हैं, तो इतनी खुदाई कर दी कि सुरंग बन गई नीचे, एक तरफ पहाड़ खड़ा हो गया और एक तरफ सुरंग बन गई नीचे। खेत के व्यक्ति ने आकर के कहा, बोले तुमसे नहीं होगा, तुम चले जाओ। बोले मैं तो चाह ही रहा था, मैं किसी लायक हुई नहीं, क्यों करवा रहे हो मुझसे। भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया। भरत जी बड़े प्रसन्न, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना मुझको, अपनी इच्छा तो मेरी है ही नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए कैसी तत्परता श्री भरत जी के चित्त में। भरत जी महाराज चले गए, एक खेत में जाकर के रात्रि हो गई, सो गए। पास के गांव में कुछ कोल भील और आदिवासी अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए एक नर की बलि चढ़ा रहे थे, एक नर की बलि कर रहे थे। अब नर की बलि करते समय उसको भोजन पानी कराते, नहला धुला के नए कपड़े पहना रहे थे, पता नहीं कैसे उसका हाथ खुल गया और वो वहां से भाग गया। अब वो भागा, उसके सारे पीछे सारे कोल भील भागे, आदिवासी भागे। अब वो तो पकड़ में आया नहीं, जिस खेत में होके भागा उसमें भरत जी सो रहे थे। आदिवासी जाकर के भरत जी से टकरा के सब गिर गए। सबने देखा प्रकाश करके तो मोटे ताजे भरत जी लेटे हैं। बोले कि सुनो, वो बलि तो भाग गई, ये बलि बढ़िया है, इसका तो अंग भी बड़ा है, देवी और प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, एक प्रसंग और भाव कहूं, भरत जी को भोजन में कोई बढ़िया सामग्री तो मिलती नहीं थी, फिर वो मोटे कैसे हो गए, उनका शरीर स्थूल कैसे था। तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि सर्पा पिवन्ति पवनम न च दुर्वलास्ते शुष्कै तृणै वन गजावलिनो भवन्ति कन्दै फलै मुनिगणा रमयन्ति काल संतोष एव पुरुषस्य परम निदान। जितने भी मोटे लोग बैठे खुश हो जाओ, वैसे तो यहां सब पतरे पतरे ही हैं, लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं सर्पा पिबंति पवनम न चतुर्वलास्ते। सर्पों में सबसे ज्यादा बलवान होता अजगर, वो अजगर सबसे कम भोजन करता है। क्या पीता है? बोले पवन पी करके रहता है। सर्पा पिवंति पवनम न च दुर्वलास्ते, वो दुर्बल नहीं होता, उससे ज्यादा शक्ति किसी सर्प में नहीं होती। और लेकिन उसका शरीर देखो कैसा होता, भारी। शुष्कई त्रणई वन गजा वलिनो भवंती, जंगल का सबसे बड़ा जीव हाथी क्या खाता है? शुष्क तृण खाता है, पतली पतली तृण खा खा करके घास खा लेता। वो जो वो होते हैं बड़ी बड़ी पौधे होते हैं उनको तोड़ तोड़ के खाता है, या फिर गन्ना खा जाता है। उसका शरीर देखो, वन के राजा अगर शेर गलती से उसके नीचे आ जाए तो चटनी बन जाए, इतना विशाल होता है। शुष्क तृण खाने वाला, हवा पीने वाले ये जानवर कैसे होते हैं? और फिर तीसरा क्या कहा, कंदई फलई मुनि गणा रमयंती काल, कंद मूल फल खा करके अधिकतर अपना जीवन व्यय करने वाले मुनियों को देखो, संतों को देखो। हमारे महाराज जी को छोड़ दो, आपको नहीं महाराज जी, हमारे वृंदावन के संतों को देखो, आप कैसे रहते हैं, धाम धुल्ला से घूमे सब रहे, कितने बढ़िया लगते, मोटे ताजे। हमें ही देख लो, हमसे ज्यादा हमारे पतरे पतरे लोग खाते हैं, हम आधी रोटी खाता हूं मैं, आधी रोटी। लेकिन देखो शरीर भरता जा रहा है, पानी भी लग रहा है, हवा भी लग रही है। तब यहां पर एक बात कहते हैं, बोले कि शरीर का स्थूल होने का कई बार कारण भोजन नहीं होता। तो बोले संतोष एव पुरुष परमम निधानम, जो व्यक्ति परम संतोषी होता है, जो महासंतोषी होता है, ऐसा व्यक्ति
वो जल भी पीता है ना, तो जल भी पूर्ण पोषक तत्व का काम करता है उसके लिए, उसको हवा भी लगती है, उसको जल भी लग जाता है। और असंतोषी व्यक्ति 20 रोटी खा जाए फिर भी उसके शरीर को लगने वाली नहीं है, वो शुष्क ही रहेगा। तो श्री भरत जी महाराज के लिए ये बात आई, उनका शरीर स्थूल क्यों था, संतोषी थे, परम संतोषी, खाने के लिए उनको जला कुजरा मिलता था लेकिन फिर भी संतोषी, इतना संतोष करते थे कि वो संतोष ही उनके स्वरूप को बना रहा था। तो कोल भीलों ने भरत जी को देखा और भरत जी को पकड़ करके ले गए महाराज। भरत जी तो आनंद में, कहीं ले जाओ उनको, तो भरत जी को पकड़ करके ले गए।